जब से राज ठाकरे ने ये बयान दिया है कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाना चाहिए, अगर 3 मई तक नहीं हटते हैं तो वहाँ पर हनुमान चालीसा बजाया जाएगा। इसी को देखते हुए बीजेपी तमाम मंदिरों को लाउडस्पीकर फ्री में बांट रही है। लेकिन अगर मैं बाज़ार की बात करूं तो बाज़ार में भी, दुकानों में भी इस बार हनुमान जयंती को लेकर के काफ़ी उत्साह दिख रहा है और बहुत सारे जो झंडे आप देख सकते हैं हनुमान जयंती से जुड़े हुए, यहां पर आप देख सकते हैं हनुमान जी की फ़ोटो के साथ जो है यहां पर भारी तादाद में झंडे मिल रहे हैं। तो क्या हनुमान जयंती का उत्सव इस बार राजनीति के रंग में रंग गया है और कितनी डिमांड है इन झंडों की, इस पर बात करने के लिए आइए हम चलते हैं दुकान पे, जहाँ पर दुकानदार हैं और कुछ ग्राहक भी यहाँ पर हमें मिलेंगे, हम उनसे बातचीत करते हैं। भाई साहब, इस बार हनुमान जयंती का जो उत्सव है, इस बार हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जो है झंडे जो है आपकी दुकान के बाहर लगाए हैं, क्या डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है? जी हाँ, 2 साल के कोविड के बाद पब्लिक अच्छी तरह से हिंदू त्यौहार मना रहे हैं, तो रामनवमी के बाद अब हनुमान जयंती आ रही, तो डिमांड पब्लिक में कुछ ज़्यादा ही है। और आपके सामने हमारे कस्टमर है, आप इनसे बात कर लीजिए। ये देखिए कि यहाँ पर कुछ लोग जो है हनुमान जयंती को लेकर के यहाँ झंडे लेने, भाई साहब आप भी झंडे लेने आए हैं, कितनी डिमांड इसकी इस बार क्यों बढ़ी हुई है और बहुत सारे लोग हैं देख रहे हैं कि हनुमान जयंती को लेकर के काफ़ी उत्साहित हैं? अभी 2-3 साल पहले जब कोविड से सब बंद था, सब त्यौहार नहीं मना रहे थे, अभी ये टाइम सब फ्री हुआ है इसके लिए त्यौहार मना रहे सब। लेकिन इस बार जो है एक राजनीतिक मुद्दा भी इसे बनाया गया है और बहुत जो है कहा जा रहा है कि जो है लाउड स्पीकर हनुमान जयंती, क्या इसका भी ये असर है? नहीं नहीं, उनका कुछ नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? हम तो क्या बोलेंगे, जो हिंदू धर्म का जो त्यौहार मन रहा है वो उसको अच्छी तरह से और उत्साह से मना रहे, 2-3 साल से घर के बाहर निकले सब पब्लिक, वही हिसाब से अच्छी तरह से वो कर रहे हम लोग। लेकिन इस पे बीजेपी देखिए लाउड स्पीकर कल बांट रही है, राज ठाकरे भी महा आरती कर रहे हैं, वो सब राजनीति अलग है और धर्म अलग है, उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। तो ये जो ग्राहक यहाँ पर आप देखिए कि उनका कहना है कि हमें जो है किसी राजनीति से मतलब नहीं, हम अपना त्यौहार मना रहे हैं। और इस तरह से बहुत सारे जो है कितने जो है इस बार जो है आप झंडे हैं या इस तरह के जो पट्टियाँ जो पहनी जाती हैं ये सब कुछ मंगाया गया है? करीबन हज़ारों की तादाद में पट्टियाँ और झंडे बिके श्री राम जी के और हनुमान जी के और भगवे झंडे, हज़ारों के हिसाब से बिके हुए हैं। तो क्या इस बार जो ज़्यादातर जो झंडे बिक रहे हैं वो जिसमें हनुमान जी की मूर्ति है वो? राम जी और हनुमान जी की दोनों की मूर्तियाँ काफ़ी डिमांड में है और काफ़ी हद तक अच्छा त्यौहार मना रहे। और भी कुछ कहना चाहेंगे आप? भी कुछ कहना चाहेंगे? बस 2 साल से जो नहीं बना रहे जो ये टाइम अब ज़्यादा बना रहे, बाकी तो ऊपर वाला है वो करेंगे। ये दुकानदार हैं और देखिए कि यहाँ पर जो है किस तरह से जो है बहुत सारे जो है हनुमान जयंती के को लेकर के यहाँ पर झंडे लगाए गए हैं, उनका कहना है कि बहुत ही ज़्यादा डिमांड है इस बार जो है दुकानदार, इसकी वजह जो है 2 साल कोविड के बाद 2 साल बाद जो है त्यौहार मनाया जा रहा है वो भी बताया जा रहा है, लेकिन उनका कहना है कि डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग जो है हनुमान जयंती के मुद्दे को लेकर के उत्सव को लेकर के झंडे लेने के लिए आ रहे हैं। तो देखिए कि किस तरह से तमाम जो झंडे हैं यहाँ पर उन पर हनुमान जी की जो है यहाँ पर चित्र बनाया गया है, हनुमान जी के चित्रों के साथ जो है यहाँ पर झंडे लगाए गए हैं। तो इस तरह की जो ये झंडे हैं इस बार मुंबई में हनुमान जयंती के पहले मिल रहे हैं और दुकानदारों का कहना है कि भारी तादाद में जो है लोग खरीदने आ रहे हैं इन झंडों को जो कि हनुमान जयंती से जुड़े हुए हैं। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ राजेश त्रिपाठी, ABP News, मुंबई।